हेलो गाइस, वेलकम बैक टू BFT फैमिली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में गाइस हम बात करेंगे जो न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया के बीच में कल से सीरीज शुरू हो रही है T20, उसकी काफ़ी सारी वैल्यू गाइस आपको इस वीडियो में मिलेगी। प्लस इस वीडियो में आपको एक 50 रुपीज़ का कैश गिव अवे भी मिलेगा, तो वो भी आप इजीली विन कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिकॉज आप जो है अगर आप थोड़ी सी भी एडवाइस यहाँ से फॉलो करते हैं तो आप ग्रैंड लीग में बहुत अच्छा कर सकते हैं। बात करेंगे इस मैच की, तो सबसे पहले इसके वेन्यू की बात करते हैं। वेन्यू गाइस करेगा स्काई स्टेडियम वेलिंगटन। टॉस गाइस जो है इसका सुबह 11:30 बजे होगा, 12 बजे मैच शुरू हो जाएगा हमारे टाइम के हिसाब से। लास्ट मैच गाइस जो इस वेन्यू के ऊपर हुआ था T20 का, वो कब हुआ था, 2021 में मार्च के अंदर हुआ था, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड का। तो उसमें हमने क्या देखा था, जो पहले बैटिंग टीम कर रही थी 142 रन उन्होंने बनाए थे, लेकिन 8 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। वहीं जो चेस करी थी 143, 3 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर चेस हो गया था। तो एवरेज स्कोर आप इतना ही कह सकते हो, 150-180 है ना। बात करेंगे इस उस मैच में हमने क्या देखा था। पहली पारी में राइट आर्म पेसर्स को 2 विकेट मिले थे, लेफ्ट आर्म पेसर्स को 2 मिले थे, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर को 1 विकेट मिला था, लेग स्पिनर को 3 विकेट मिले थे। वहीं दूसरी पारी में राइट आर्म पेसर्स को 3 विकेट मिले थे। इन शॉर्ट लास्ट मैच जो गाइस यहाँ पर हुआ था उसमें हमने देखा 7 विकेट पेसर्स को मिले, 4 विकेट स्पिनर्स को मिले थे। तो यहाँ पर गाइस आपके लिए दो हैं तो दोनों ही इंपॉर्टेंट, लेकिन पेसर्स थोड़ा सा ज़्यादा आगे थे लास्ट मैच जो हुआ था उसमें। ये नहीं कह सकते कि मतलब इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट होंगे। और अगर इंडिया पहले बॉलिंग करता है तो और ही अच्छी चीज़ है, फिर तो मैं जो है हर्षदीप सिंह के साथ चला जाऊँगा, कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ, है ना। बिकॉज लेफ्ट आर्म पेसर्स को मदद मिल ही रही है और मतलब पेसर्स के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ है। तो पेसर्स में जो हमारा हर्षदीप सिंह, वो तो कमाल का यार फिर, है ना, उससे अच्छा कौन ही होगा लेफ्ट आर्म पेसर में अवेलेबल इन दोनों स्क्वाड में। तो बात करेंगे इस यहाँ से, लास्ट मैच का आपको बता दिया। सबसे ज़्यादा गाइज आपके लिए इफेक्टिव इस वेन्यू पे कौन रहेगा, नंबर 1 पे आते हैं राइट आर्म पेसर्स, नंबर 2 पे आते हैं लेग स्पिनर्स, नंबर 3 पे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, नंबर 4 पे लेफ्ट आर्म पेसर्स और नंबर 5 पे राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिनर। ये गाइज ऑर्डर में है सबसे ज़्यादा कौन, फिर उसके बाद। तो ये ऑर्डर ध्यान रखना, इस वेन्यू पर यही बॉलर्स आपके बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। और T20 फॉर्मेट है तो बॉलर भी कैप्टन हो सकता है अगर वो 2-3 विकेट ले गया तो, है ना। बात करें गाइस यहाँ से इस वेन्यू के ऊपर, अभी तक जो 5 मैच हुए हैं लास्ट, पहले बैटिंग करने वाली टीम 2 मैच जीती है, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम 3 मैच जीती है। बात करें गाइस यहाँ से हेड टू हेड की, तो लास्ट जो 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं, लास्ट 5 की ही बात करेंगे, तो उसमें क्या देखने को मिला, इंडिया ने 4 बार जीता, न्यूजीलैंड ने सिर्फ 1 बार जीता है, लेकिन इसमें से 3 मैच इंडिया के होम मैचेस ही थे, तो कह सकते हो इंडिया को थोड़ा सा एडवांटेज। बात करते हैं वेन्यू की, इस वेन्यू पे इंडिया ने 3 बार खेला है, सिर्फ 1 बार जीता है अभी तक, ठीक है। न्यूजीलैंड ने यहाँ पर 15 बार खेला है और 9 बार उसमें से जीता है, तो कह सकते हो न्यूजीलैंड को यहाँ पर ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है खेलने का वो काफ़ी ज़्यादा है। बात करें रीसेंट फॉर्म की, तो रीसेंट फॉर्म दोनों टीम का बराबर है, दोनों ही 5-5 T20 खेल के आ रहे हैं, T20 फॉर्मेट में मैचेस खेल के आ रही हैं, उसमें से 3-3 जीती हैं, 2-2 हार के आ रही हैं। बात करेंगे इस यहाँ से इंडिया का जो T20 स्क्वाड है, ये कंप्लीट स्क्वाड आप अपने सामने देख सकते हो, पढ़ के बताऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा, है ना, आप सामने पढ़ सकते हो, बैटिंग बॉलिंग फॉर्म भी देख सकते हो उनका, यहाँ से गाइस न्यूजीलैंड का देख सकते हो, कंप्लीट T20 का स्क्वाड है ना आपके सामने है ये। बात करेंगे गाइस क्रिक बस की तरफ से जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 आ रहा है अभी, वो ये है, न्यूजीलैंड की तरफ से फिन एलन ओपन करने चाहिए डेवन कॉनवे के साथ, फिर केन विलियमसन, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिशेल, जेम्स निशाम, मिशेल सेंटर, टिम साउदी, एडम मिलने, लोकी फर्ग्यूसन और यहाँ से ब्लेड टिकनर। ये गाइस न्यूजीलैंड का प्लेइंग 11 होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। यहाँ से गाइस इंडिया की बात करें तो शुभमन गिल ओपन करेंगे ईशान किशन के साथ, संजू सैमसन उसके बाद संभालेंगे पारी सूर्या के साथ, फिर हार्दिक पांड्या, तो काफ़ी अच्छा यूनिट लग रही है बैटिंग की, तो ऋषभ पंत है उसके बाद, दीपक हुडा, वॉशिंगटन सुंदर दोनों में से कोई एक खेलेगा, भूवी यहाँ से देखेंगे, युजवेंद्र चहल, हर्षदीप सिंह और उमरान मलिक, ये इंडिया का प्लेइंग 11 हो सकता है इस तरीके का। बात करेंगे गाइस लास्ट 5 हेड टू हेड स्पेशल्स की, यानी जब लास्ट 5 मैचेस में दोनों ही आपस में भिड़े हैं तो उसमें से स्पेशल प्लेयर्स कौन रहे हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है 2020 से लेके 21 तक के, ठीक है, ये स्पेशल्स हैं तो ध्यान रखना, ये प्लेयर्स फ्लॉप भी हुए हैं आगे वो भी आपको बताऊँगा। हार्दिक पांड्या ने लास्ट 5 मैच में मतलब जब इन्होंने खेला है तब 23 रन किए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, भुवनेश्वर कुमार ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 2 विकेट निकाले, सूर्या ने 62 किया दूसरी पारी में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, हर्षल पटेल ने पहली पारी में 2 विकेट निकाले और दूसरी पारी में 2 विकेट निकाले न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, ईशान किशन ने 29 रन किए हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। बात करें न्यूजीलैंड ने इंडिया के अगेंस्ट क्या किया स्पेशल, तो लास्ट 5 मैचेस में
ट्रेंट बोल्ट ने इंडिया के अगेंस्ट 3 विकेट निकाले पहली पारी में, 2 विकेट निकाले दूसरी पारी में, 1 विकेट निकाला पहली पारी में। टिम साउदी का स्पेशल परफॉर्मेंस, इंडिया के अगेंस्ट 3 विकेट निकाले दूसरी पारी में, इश सोडी 2 विकेट निकाले पहली पारी में, डेरिल मिशेल ने 49 किया दूसरी पारी में और 1 विकेट निकाला दूसरी पारी में, केन विलियमसन ने 33 रन किए हैं स्पेशल इंडिया के अगेंस्ट दूसरी पारी में, ग्लेन फिलिप्स ने 34 रन किए हैं पहली पारी में और मिशेल सेटनर का यहाँ पर मतलब इंडिया के अगेंस्ट 3 विकेट निकाले हैं, ये इनका स्पेशल परफॉर्मेंस है। तो ये हेड टू हेड स्पेशल आपको बता दिए जो चले हैं पास्ट में जब दोनों आपस में भिड़ते हैं। तो ओवरऑल हेड टू हेड की बात करें तो आप यहाँ से देख सकते हो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने इंडिया के अगेंस्ट क्या किया है। केन विलियमसन का 12 मैच में 358 रन है, डेरिल मिशेल का 9 मैच में 119 रन है, 5 विकेट है, मिशेल सेंटर के 16 मैच में 95 रन है इंडिया के खिलाफ और 15 मैच में 20 विकेट है, यानी 16 मैच इन्होंने खेले 15 मैच में उसमें से बॉलिंग कराई 20 विकेट है इनके। ग्लेन फिलिप्स ने 6 मैच में 45 रन किए इंडिया के अगेंस्ट, तो बहुत ही अटकाई है तो इंडिया के सामने। जिमी नीशाम ने 3 मैच में सिर्फ 6 रन किए इंडिया के अगेंस्ट, डेवन कॉनवे ने एक ही मैच खेला इंडिया के अगेंस्ट, 2 रन किए, इश सोडी 15 मैच में 20 विकेट है इंडिया के अगेंस्ट, टिम सऊदी 15 मैच में 15 विकेट है इंडिया के अगेंस्ट, लोकी फर्ग्यूसन 5 मैच में 5 विकेट है इंडिया के अगेंस्ट, एडम मिल ने 6 मैच में 3 विकेट है इंडिया के अगेंस्ट, ब्लेयर टिकनर 3 मैच में 2 विकेट है इंडिया के अगेंस्ट। बात करेंगे गाइस हम इंडिया के प्लेयर्स की न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो श्रेयस अय्यर के 11 मैच में 212 रन है, ऋषभ पंत के 7 मैच में 117 रन है, हार्दिक पंड्या के 8 मैच में सिर्फ 64 रन है और 4 विकेट है, सूर्य कुमार 3 मैच में 63 रन है सिर्फ न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, ईशान किशन ने 2 मैच में 33 रन बनाए सिर्फ, संजू सैमसन 2 मैच में 10 रन किए हैं सिर्फ। अब मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कितना लो परफॉर्मेंस दिया है। भुवनेश्वर कुमार 9 मैच में 8 विकेट है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, युजवेंद्र चहल के 8 मैच में 11 विकेट है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, हर्षल पटेल ने 2 मैच में 4 विकेट निकाले न्यूजीलैंड के खिलाफ, कुलदीप यादव 2 मैच में 3 विकेट निकाले, मोहम्मद सिराज 2 मैच में 2 विकेट है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट और वाशिंगटन सुंदर का 2 मैच में 1 विकेट है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। तो ये था गाइस ओवरऑल हेड टू हेड परफॉर्मेंस जब भी आपस में मिले हैं तो क्या किया है। बात करते हैं इस वेन्यू के ऊपर जहाँ पर कल मैच होने वाला है, बहुत ज़रूरी आपके लिए जानना कि वेन्यू पर प्लेयर्स चलते भी हैं या नहीं रिगार्डलेस ऑफ देयर रिसेंट फॉर्म। हार्दिक पांड्या इस वेन्यू पे 2 विकेट निकाले, मतलब एक मैच खेला है उसमें 2 विकेट निकाले और दूसरी पारी में आके 4 रन किए थे। ऋषभ पंत ने दूसरी पारी में इस वेन्यू पे 1 मैच खेला 4 रन किए। ईशान किशन इस वेन्यू पे खेले नहीं है, शुभमन गिल खेले नहीं है, दीपक हुडा भी नहीं खेले, सूर्य कुमार भी नहीं खेले। तो फिर खेला कौन, श्रेयस अय्यर खेले हैं पहली पारी में 1 रन किया है यहाँ पर 1 मैच में, संजू सैमसन ने पहली पारी में 1 मैच खेला है यहाँ पर 8 रन किए, वाशिंगटन सुंदर पहली पारी में बैटिंग की 0 रन किए, युजवेंद्र चहल इस वेन्यू पे नहीं खेले, कुलदीप यादव नहीं खेले, हर्षल पटेल नहीं खेले, मोहम्मद सिराज भी नहीं खेले, भूवी भी नहीं खेले, अर्शदीप सिंह भी यहाँ पर नहीं खेले हैं, उमरान मलिक तो फिर खेले ही नहीं है। बात करें न्यूजीलैंड इस वेन्यू पे क्या करता है तो अभी तक क्या किया है, मतलब केन विलियमसन पहली पारी में 72, 34, 33 रन किए हैं, दूसरी पारी में 24, 9, 8, 0 किया है। फिन एलन इस वेन्यू पे खेले नहीं है, मिशेल ब्रेसवेल ने 1 मैच खेला था दूसरी पारी में 5 रन किए थे वहाँ पर, डेवन कॉनवे इस वेन्यू के ऊपर 3 बार बैटिंग की, तीनों ही बार दूसरी पारी में की, 38 रन किया, 36 रन किया और 17 रन किया है। लोकी फर्ग्यूसन इस वेन्यू के ऊपर पहली पारी में 2 मैच में 1 विकेट है इनका और दूसरी पारी में 2 मैच में 4 विकेट है, 1 मैच विकेटलेस भी गए थे, कह सकते हो 3 मैच में 5 विकेट इनके यहाँ पर हैं। डेरिल मिशेल पहली पारी में इस वेन्यू पर 33 नॉट आउट रहे, फिर दूसरे मैच में 8 रन किए, फिर 5 रन किए, दूसरी पारी में जब बैटिंग मिली तो 4 रन किए। एडम मिलने का अच्छा परफॉर्मेंस है इस वेन्यू के ऊपर, दोनों ही पारी में यहाँ पर विकेट्स निकाले, एक भी मैच बंदा विकेटलेस नहीं गया, पहली पारी में 2 विकेट निकाले, दूसरी पारी में 3 विकेट निकाले हैं। जिमी नीशम पहली पारी में इस वेन्यू के ऊपर 42 रन किए, दूसरी पारी में 14 नॉट आउट 3 और 0, तो दूसरी पारी में यहाँ पर 1 मैच में नॉट आउट रहे थे, बाकी 2 बार अटके ही हैं। ग्लेन फिलिप्स इस वेन्यू पर 3-4 बार बैटिंग की और हर बार दूसरी पारी में की और अच्छा अटके हैं, पहला मैच छोड़ दें अगर हम 34 नॉट आउट का तो 13 किया दूसरी पारी में, 3 किया दूसरी पारी में और 1 रन किया दूसरी पारी में। बात करें सेटनर की तो 4 मैच में 4 विकेट है पहली पारी में, 4 मैच में 7 विकेट है दूसरी पारी में, 2 मैच सेटनर यहाँ पर विकेटलेस भी गए हैं। इश सोडी की बात करें 5 मैच में 11 विकेट है पहली पारी में, 3 मैच में 8 विकेट है दूसरी पारी में, सिर्फ 1 मैच बंदा विकेटलेस गया है, तो यार 8 मैच खेल के इसने यहाँ पर 19 विकेट निकाले हैं तो अच्छी बात है, ये इंपॉर्टेंट होगा, होगा ही होगा। टिम साउदी 7 मैच में 11 विकेट है इस वेन्यू के ऊपर पहली पारी में, दूसरी पारी में 3 मैच में 6 विकेट है, 1 मैच विकेटलेस गए हैं, तो इन्होंने कह सकते हो 10 मैच यहाँ पर खेले हैं उसमें 17 विकेट निकाले हैं, तो ये भी कोई बुरा स्टैट नहीं है, यानी एक मैच छोड़ दो तो हर मैच कुछ ना कुछ तो किया ही है।
ब्लैड टिगनर इस वेन्यू पे कभी खेले नहीं है। अब गाइज मैंने आपको इतना सारा जो है इनका रिसेंट फॉर्म, इनका इस वेन्यू के ऊपर परफॉर्मेंस, आपस में जब भिड़ते हैं तब क्या करते हैं, तब सब कुछ मैंने आपको यहाँ से बता दिया। तो गाइज अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि यहाँ से आप बेस्ट अपना फिट जो है कॉम्बिनेशन यहाँ से उठा लें और ग्रैंड लीग्स में अच्छा खासा करें। करना क्या है, आप बोलोगे कि सर आपने ग्रैंड लीग कैप्टन वाइस कैप्टन हमें नहीं बताए, लोग हमें टीम दिखा देते हैं, आपने हमें कैप्टन वाइस कैप्टन भी नहीं बताए। तो देखो मेरे भाई, आप अगर मैं अगर आपको टीम दिखाऊंगा, मैं भी कोई भी फैंटेसी एप्लीकेशन खोल के 2-3 मिनट आपके खा सकता हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं होता उसका, क्योंकि जब मैंने ऑल सब कुछ आपको यहाँ पर बता दिया ऑलरेडी, तो फिर फ़ायदा क्या है आपको टीम दिखाने का, क्योंकि टीम लाइनअप के बाद तो वैसे भी चेंज होती है ना, कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो भी टीम होगी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। बात करेंगे इस जो आपके कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन कौन से होने चाहिए, तो सबसे पहले ये समझ जाओ और ये समझ जाओ कि इस वेन्यू पे किसको मदद मिल रही है, बॉलिंग सेक्शन से है ना, किसको मदद मिल रही है, तो ये चीज़ आप समझ जाओ। दूसरी चीज़, एक ये सेक्शन जो है कहाँ गया, लास्ट 5 हेड-टू-हेड स्पेशल्स, कुछ कॉम्बिनेशन इसके ऊपर बना लेना है ना, कुछ कॉम्बिनेशन ये भी ध्यान में रख के बना लेना, ओवरऑल हेड टू हेड में आपस में जब भिड़ते हैं तो कौन अच्छे निकल के आ रहे हैं उनको कर लेना है ना। बाकी गाइस फिर इस वेन्यू के ऊपर परफॉर्मेंस प्लेयर्स का कैसा है उसके बेसिस पे कर लेना। ये 3 सिनेरियो पे जो बंदे टीम बनाएंगे काफ़ी अच्छे कॉम्बिनेशन बना लेंगे। और एक चीज़ हमेशा याद रखो, ग्रैंड लीग में 20 टीम्स के चक्कर में पड़ा नहीं करो कभी है ना। आप सोचा करो इस ग्रैंड लीग में सिर्फ 8 ही टीम जा रही है तो मुझे 8 में अपना बेस्ट देना है, या इसमें 6 ही जा रही है तो मुझे 6 में अपना बेस्ट देना है। लिमिटेड कॉम्बिनेशन बनाओ लेकिन अपना बेस्ट बनाओ, ये नहीं सोचो जितने ज़्यादा कॉम्बिनेशन उतना ज़्यादा जीतने के चांसेस, वो आप साल में एक आध बार जीत सकते हो उससे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपका लॉस ही होगा और ना ही आपका कोई प्रिडिक्शन वहाँ पर काम कर पाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जो 2-3 सेक्शन मैंने आपको बताया उस पर फोकस करना, उसी में से जो टॉप के प्लेयर्स हैं कैप्टन वाइस कैप्टन उन्हें निकाल लेना। बाकी जो भी स्मॉल लीग टीम होगी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। एक बार चलते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 की तरफ, तो आपको इस वीडियो के अंदर का गिव अवे बता देता हूँ मैं यहाँ पर। आपको करना क्या है, इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है। सबसे पहले रूल तो यही है कि आपको वीडियो पूरी देखी होनी चाहिए और वीडियो लाइक करी होनी चाहिए, और कमेंट जो आपका एडिटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आपको कमेंट क्या करना है इस वीडियो के नीचे, कि कल के मैच में केन विलियमसन और यहाँ से ईशान किशन कितने रन्स बनाएंगे। ये 2 प्लेयर पे गिव अवे है, ये आप ध्यान रखना, एक तो केन विलियमसन और यहाँ से ईशान किशन, ये 2 प्लेयर्स के ऊपर गिव अवे। आपको ये कमेंट करना है कल के मैच में ये कितने जो है रन्स बनाएंगे, है ना, रन्स का रख लेते हैं, कितने रन्स बनाएंगे। अगर आपका दोनों आंसर सही हुआ, दोनों प्लेयर्स का प्रेडिक्शन सही हुआ, तो आप विनर बन सकते हो, और अगर किसी का भी सही नहीं हुआ तो जिसका एक प्लेयर का भी सही होगा वो हम विनर बना देंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, आपके पास मतलब 2 मौके हैं, मौका मतलब वही चांस आपका बन सकता है। अगर किसी का सही नहीं हुआ तो जिसका एक भी सही होगा उसको बना देंगे, अदरवाइज अगर किसी के 2 सही निकल गए तो फिर वो तो विनर है ही है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन पर जैसे ही क्लिक करोगे वहाँ पर माई मास्टर 11 की लिंक मिलेगी, उसको डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छी ग्रैंड लीग अवेलेबल है, तो उसको टारगेट करें, वहाँ पर खेलें। बहुत ही कम लोग खेलते हैं उनमें खेलें, कन्फर्म प्राइस पूल है, और वहाँ पर आप 1 लाख रुपये फर्स्ट प्राइस जीत सकते हो, 50,000 सेकेंड प्राइस है, तो ऐसे प्राइजेस जीत सकते हो। उसी के नीचे आपको टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।